नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी, आप देख रहे हैं बेब इंडिया न्यूज, जहां दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया क्षेत्र से आ रही। गांव ने महात्मा बना दिया और उस गांव का एक युवा यदि समाज का काम कर रहा है तो जो अगर इस युवा का टांग खींचने का प्रयास कर रहे हैं तो उनके बेटा तो सुरक्षित है, लेकिन क्या कोई यादव सुरक्षित है? क्या कोई मुसलमान सुरक्षित है? क्या कोई बनिया सुरक्षित है? विधायक नहीं बदल पा रहे हैं, मुख्यमंत्री नहीं बदल पा रहे हैं, आज मास्टर समाज इस बात को आवाज उठा रहा है कि अग्निवीर को मार करके उसकी हत्या क्यों हो गई एक बनिए की, तो अगर उसके लिए सरकार एक्शन ले रही है तो कल के टाइम में ब्राह्मण के बेटा का भी हत्या नहीं होगा, कल के टाइम में मुसलमान के बेटा का भी हत्या नहीं होगा, कल के टाइम में किसी जुलाहा के बेटा का भी हत्या नहीं होगा। वो सभी यादवों को एक समान लेकर के चले तो सारे तो बन ही गए। बनिया में भी अच्छे अच्छे लीडर अपने जिला में हुए हैं, वैश्य समाज में अच्छे लीडर हुए हैं अपने जिला में। वो अगर अपने बेटा को ना देख करके संपूर्ण वैश्य समाज को देखते तो वैश्य समाज राउंड के समय लगभग यहाँ के 10,000 प्लस जनता जो बाहर में दूसरे दूसरे राज्यों में फंसी हुई थी, तो हर राज्यों में हमारा संपर्क है, 7 राज्यों में खुद अपना सामाजिक संगठन चला चुका हूँ, तो हर जगह संपर्क करके खुद पैसा भेज करके राशन भोजन का व्यवस्था करवाया और फिर कई लोगों को बुलवाया भी। ट्रेन आती थी पटना से, फिर बस से लोग आते थे, तो मैं अपने माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी के यहाँ संपर्क करके और मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। अभी मैं पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत लौरिया विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित हूँ और मेरे साथ एक युवा जुड़े हुए हैं। मैं आपको बता दूं, इनका नाम अजितेश कुमार जी है, लोग प्यार से इनको बबलू भैया के नाम से भी जानते हैं। यह वैश्य समाज के जिला अध्यक्ष हैं, साथ में लौरिया विधानसभा से भूतपूर्व विधायक प्रत्याशी रह चुके हैं। तो चलिए हम इनसे बातचीत करेंगे कि अभी किस प्रकार अपने समय को कहाँ एक्सपेंड कर रहे हैं और खासकर जो वैश्य समाज से है इससे संबंधित हम लोग बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारा वेब इंडिया न्यूज चैनल में। सर, कि आपने अपना प्रीसियस समय निकाल कर दिए। सर, मैं चाहूँ आपके सभी दर्शकों को मेरे तरफ से नमस्कार और आपका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत कि आपका वेब इंडिया न्यूज जो है समय समय पे जमीनी मुद्दों को उठाता है और गाँव गाँव तक पहुँचता है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आगे की शुभकामनाएं कि आपका भविष्य उज्ज्वल हो और आपका न्यूज और बढ़े आगे चले। सर, ये जो अभी हम लोग बात करें, आप वैश्य समाज के जिला अध्यक्ष जी हैं, तो सर इस वैश्य समाज का उद्देश्य क्या है? देखिए, शुरू से ही वैश्य समाज का जो ये है आपका उद्देश्य रहा है, जैसे आप किसी गांव में जाइएगा तो धर्मशाला बना हुआ है तो बनियों के पैसा से, मंदिर बन रहा है तो बनियों के पैसा से, तो संपूर्ण समाज की सुरक्षा करना वैश्य समाज का उद्देश्य होता है और उसी सुरक्षा और सेवा के भाव से हम एक वैश्य पुत्र होने के नाते और साथ साथ ये राजकुमार शुक्ला की जन्मभूमि और महात्मा गांधी की कर्मभूमि, ये गांव जो है हमारा साथी, ये महात्मा गांधी की कर्मभूमि है, जिस गांधी को इस चंपारण ने, इस साठी गांव ने, इस सतोरिया गांव ने महात्मा बना दिया, और उस गांव का एक युवा यदि समाज का काम कर रहा है तो जो अगर इस युवा का टांग खींचने का प्रयास कर रहे हैं वो बहुत दुख की बात है, क्योंकि हमारा तो खून ही है। देखिए, हमारे इस गांव में आप जाइएगा तो संस्कृत विद्यालय हमारे परदादा के सहमति से, सहयोग से बना। इस गांव में 3 मंदिर है, मस्जिद है, ईदगाह है आपका इसी गाँव में। आगे बढ़िया तो हमारे ट्रैक्टर से कितने टेलर माटी वो लोग कहें निःशुल्क गिरा, तो इन सारे कामों में हम लोग लगे रहते हैं। अच्छा सर, खासकर अभी वैश्य समाज के साथ साथ अन्य भी जो भी वर्ग के लोग हैं, खासकर लॉकडाउन की बात करें और जब चीनी मिल चलते हैं आपके क्षेत्र में, सर इसके लिए आपने कौन कौन से काम किए? क्योंकि जनता बेताब है आपकी बातों को सुनने के लिए कि वास्तव में यदि आप एक युवा और खासकर पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सर आप लोग जैसे व्यक्तियों को समाज में आकर सेवा करना बहुत आवश्यक सर बन जाता है। सर, तो क्या क्या किए खासकर जो चीनी मिल चलता है तब लॉकडाउन के समय लगभग यहाँ के 10,000 प्लस जनता जो बाहर में दूसरे दूसरे राज्यों में फंसी हुई थी, तो हर राज्यों में हमारा संपर्क है, 7 राज्यों में खुद अपना सामाजिक संगठन चला चुका हूँ, तो हर जगह संपर्क करके खुद पैसा भेज करके राशन भोजन का व्यवस्था करवाया
और फिर कई लोगों को बुलवाया भी। ट्रेन आती थी पटना, पटना से फिर बस से लोग आते थे, तो मैं अपने माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी के यहाँ संपर्क करके और ट्रेन बेतिया तक बुलवाया, जबकि मैं एक साधारण आदमी और यहाँ के नेता लोग सब आँख मूंद के बैठे थे, सब अपने राजनीतिक रोटी टिकट इन सब के चक्कर में थे और मैं सेवा के चक्कर में। तो मेरा खून ही है भाई साहब, ये सेवा का काम करना खून ही है, पूर्वज से आ रहा है तो कर रहे हैं हम, विधायक रहे चाहे ना रहे, हमारा जो काम है वो तो हम करेंगे ही। सर, वैश्य समाज का जो राजनीतिक से क्या संबंध है, क्या लगता है कि यदि वैश्य समाज अगर राजनीतिक में आ जाए तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा? देखिए, वैश्य समाज जो है, जिस दिन वैश्य समाज, देख एक चीज है, जिसके पास पैसा है वही राजा बन जाए, भिखारी को हटा करके पैसे वाले को ही राजा बना दो, बनियों के पास पैसा है, बनिया जो दान पुण्य टैक्स दे रहा है सरकार को, खुद अगर सेवा में लग जाए तो आप खुद सोच सकते हैं, क्योंकि धन के बिना धर्म नहीं होता, धन के बिना सेवा नहीं होता, तो सेवा करना हमारा फर्ज है। सर, और हाल ही में एक अग्निवीर में चयनित युवा की मृत्यु हो गई, जिनका ज्वाइनिंग लेटर आ गया था सर, वे भी वैश्य समाज के ही थे। हालांकि सर, उसके लिए आपकी, आपके समाज ने या आपका संगठन ने क्या किया, किस प्रकार, किस तरह? संगठन की उत्पत्ति जब समाज के लोग दुख में होते हैं, पहले मैं कोई वैश्य समाज का जिला अध्यक्ष नहीं था, चाहे वैश्य समाज का कोई नाम भी नहीं लेता था, मैं एक समाज सेवक के तौर पर सेवा करता था। एक अग्निवीर की हत्या करके बूढ़ी गंडक में उसे फेंक दिया गया, न्यूज़पेपर के माध्यम से आप लोग भी पढ़े होंगे, सिकटा की घटना है, वो वैश्य समाज के थे, तो उनको ले करके हम लोगों ने मीटिंग किया बेतिया में, पटना में भी वैश्य स्वाभिमान महारैली किया, और सरकार से वैश्य सुरक्षा आयोग का मांग करते हैं, ताकि वैश्य सुरक्षा आयोग बने, ताकि बनिया समाज सुरक्षित रहे, जो व्यवसायी समाज है, जो बिजनेस कर रहा है, जो सरकार को टैक्स दे रहा है, वो सुरक्षित रहे। लेकिन सर, खासकर यदि अभी आप वैश्य समाज की बात कर रहे हैं या बनिया की बात करें सर, तो प्रत्येक लोग यदि अपने अपने समाज को लेकर चले सर, तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि समाज खंडित हो रहा है? देखिए देखिए, सब लोग अपने अपने समाज को लेकर चलते तब तो आज बहुत आगे बढ़ गए रहते। अगर एक कोई पासवान नेता बन रहा है, वो पासवान के सभी को एक समान लेकर के चले, कोई यादव बन रहा है, वो सभी यादवों को एक समान लेकर के चले, तो सारे तो बन ही गए। बनिया में भी अच्छे अच्छे लीडर अपने जिला में हुए हैं, वैश्य समाज में अच्छे लीडर हुए हैं अपने जिला में, वो अगर अपने बेटा को ना देख करके संपूर्ण वैश्य समाज को देखते तो वैश्य समाज आज कहीं और रहता। उसी तरह यादव भी हुए हैं, अच्छे अच्छे लीडर यहाँ से यादव हुए हैं, मुसलमान अच्छे अच्छे लीडर हुए हैं, ब्राह्मण अच्छे अच्छे लीडर हुए हैं, सब जाति के लीडर केवल अपने जाति को भी देख लिया होता ना, तो आज चंपारण पुनः स्वर्ग बन गया होता। सर, इस चंपारण ने मुख्यमंत्री को दिया, केदार पांडे जैसे मुख्यमंत्री इस चंपारण में हुए, और आज भी आप ब्राह्मण में भी जो गरीब है ना, उनकी दुर्दशा जाकर के देख लो क्या है। उसी तरह इसी चंपारण ने मदन जायसवाल को दिया, वो मदन जायसवाल अगर केवल बनियों को देख लिए होते तो अब आप कह रहे जातिगत संगठन से कोई खंडित नहीं होता है। अगर बनिया समाज इस बात को आवाज उठा रहा है कि अग्निवीर को मार करके उसकी हत्या क्यों हो गई एक बनिए की, तो अगर उसके लिए सरकार एक्शन ले रही है, तो कल के टाइम में ब्राह्मण के बेटा का भी हत्या नहीं होगा, कल के टाइम में मुसलमान के बेटा का भी हत्या नहीं होगा, कल के टाइम में किसी जुलाहा के बेटा का भी हत्या नहीं होगा। तो सब जाति की सुरक्षा के लिए बनिया समाज बना हुआ है और शुरू से करते आ रहा है, और खुद असुरक्षित हो गया, जो दूसरे को सुरक्षित कर रहा है वो खुद असुरक्षित हो गया। लेकिन सर, हम लोग यदि प्रधान माननीय प्रधानमंत्री के वाक्य पर जरा हम लोग ध्यान दें, तो उनका तो यह कहना है कि राष्ट्र सुरक्षित हाथ में है, तो आप सर स्वयं को असुरक्षित फील कर रहे हैं? देखिए, एक रैली हुआ था, उसमें आपके माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, ये लोगों ने कहे थे कि मैं बनिया हूँ, बनिया है, उसके बाद भी आप कहाँ सुरक्षित हैं बताइए। तो आप जाति विशेष पे वो लोग सुरक्षित कहाँ, हो तो पूरे देश को सुरक्षित करने की जहाँ तक बात है प्रधानमंत्री जी का चाहे, तो सुरक्षा स्थानीय सुरक्षा की दृष्टि से, मतलब पार्टी पे ना ध्यान दे करके, लॉ एंड ऑर्डर पे यदि ध्यान दिया जाए तो तब सुरक्षा मिलेगा, पार्टी के विकास के लिए नहीं।
सिर्फ 2024 में ये वैश्य समाज का जो आपके संगठन है क्या योगदान रहेगा सरकार बनाने में, क्या लग रहा है कि अप्रत्यक्ष रूप से आप भी भाग लीजिएगा आप अपने टीम के साथ? देखिए, सरकार बनाने का बनिया नेता चंपारण में, बनिया नेता पटना में भी, बनिया नेता दिल्ली में भी, सब मुंह चुप्पा बैठा हुआ है। मुखर नेता है, अगर इस चंपारण को, इस लौरिया को मुखर नेता मिले तो ये लौरिया आपको एक दिशा निर्देश देगा। ये लौरिया प्रखंड 300-300 तंता सेनानी दिया है, ये शायद आपको पता नहीं होगा। शेख गुलाब यहीं के हैं, चांद बरवा के, शीतल राय मठिया के, और राजकुमार शुक्ला इस गांव के। तो जो जो मिट्टी इस देश को आजादी दिला सकता है, उस मिट्टी के हाथ में अगर अच्छा नेतृत्व दे दो तो देश को तो सुरक्षित करेगा ही। बनिया का स्थान जहां तक बात है तो बनिया अपने बलबूते पे आगे बढ़ता है। अगर बनिया बनिया के बल पे आगे बढ़े तब वो बनिया की सुरक्षा की गारंटी। अच्छा सर, क्या वजह है कि इस तरह की स्थितियां नहीं आ पाती है, पनप नहीं पाती है? क्या कहेंगे आप इस पर, खासकर उन जनता को जो सही लीडर नहीं चुन पाती है, किस बेस पर चुने सर? या आखिर में क्या है कि बस वही लोग जाति वर्ग समुदाय धर्म की ओर भागे चले जाते हैं? देखिए, बिहार में जनता जो है पार्टी को वोट देती है, जाति को वोट देती है, अपने बेटा के लिए, अपने बेटी के भविष्य के लिए वोट नहीं देती है। अगर चंपारण की जनता अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट देने के लिए सोच ले तो चंपारण स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन सर क्या वजह है कि वो लोग अपने धर्म की तरफ या जाति की तरफ खींचे जाते हैं? क्या लगता है कि वे लोग चाहते हैं हमारा जाति का विकास तो हमारा विकास, हमारा धर्म का विकास तो हमारा विकास? लेकिन यहाँ का नेता चाहता है कि मैं यदि नेता बन गया तो, यहाँ का जो नेता सब है ना, नेता जब बनता है सब, तो नेता बनने के बाद वो अपने बेटा का विकास करता है सब, आ जाति उसको अपना जात समझ करके। आप बताइए कि यहाँ पे बनिया लीडर का नाम मैं नाम रख ही दिया, यहाँ पे ब्राह्मण लीडर का मैं नाम रख ही दिया, मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है, यहाँ के जादव लीडर भी रहे हैं नंबर वन पे है, तो उनके बेटा तो सुरक्षित हैं, लेकिन क्या कोई यादव सुरक्षित है? क्या कोई मुसलमान सुरक्षित है? क्या कोई बनिया सुरक्षित है? तो यहाँ पे सुरक्षा भी चाहिए और पैसा भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए। तो अगली जो लड़ाई होना चाहिए वो जाति धर्म से ऊपर उठ करके, चाहे 24 की लड़ाई हो चाहे 25 की लड़ाई हो, जाति धर्म से ऊपर उठ के रोजगार के लिए लड़ाई होना चाहिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ाई होना चाहिए। दुखेगा किसको? हमारे पूर्वज ने संस्कृत विद्यालय में अपना योगदान दिए हैं। आप जाइएगा इधर चनपटिया से इस साइड बढ़िएगा तो खजूर का गाछ देखिएगा, तरकुल का गाछ है, तरकुल का गाछ लंबा लंबा है 15-20 गो, तरकुल का गाछ हुआ हमारा है, दोनों साइड का जमीन हुआ बिक गया है, पर दादा बेच करके आए, यही सब काम में लगाए हैं, सामाजिक काम में। तो हम लोग के पूर्वज अपना जड़ जमीन बेच करके भी सामाजिक काम में लगा दिए हैं। जब मामला हो आपके सपनों का घर का तो समझौता कैसा? जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ आपको सभी प्रकार के मकान का 2D 3D नक्शा या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत ब्यौरा, पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के सबुनी मेन रोड, जिसके प्रोप्राइटर हैं इंजीनियर मसूद आलम, जिनका मोबाइल नंबर 9162052355। मंदिर बनवाने में, स्कूल बनवाने में, तो अब हम पे विश्वास नहीं करेगा लो तो करे लो, आम पब्लिक करे विश्वास जिस पे कर रहा है। उसके अलावा भी फेसबुक वेसबुक पे देखते हैं, कहता है लोग कि मास्टर लोग को 5 साल के लिए रखना चाहिए, फिर 5 साल के बाद फिर टेस्ट लेना चाहिए। कई लोग लिख देता है, जब ये विधायक नहीं बदल पा रहे हैं, मुख्यमंत्री नहीं बदल पा रहे हैं, आज मास्टर 5 साल में ये बदल लेंगे, फिर उसका चापलूस बन जाएंगे। लोकसभा का चुनाव सर पर है, कुछ ही महीने और बाकी
रह गए हैं उसके बिगुल बजने में। सर, अपने वैश्य समाज के लोगों को क्या कहना चाहेंगे इस लोकसभा चुनाव संबंधित बारे में? वैश्य समाज के लोगों को यही कहेंगे, जो वैश्य सुरक्षा की बात करे, जो वैश्य सुरक्षा की बात करे, संपूर्ण समाज की सुरक्षा की बात करे, उसको साथ दीजिए, उसको आगे बढ़ाइए। और अगर कोई बनिया भी बनिया के नाम पे वोट मांगने जा रहा है तो कहिए कि अगर हमारा समाज सुरक्षित रहेगा तब हम आपको जाति के नाम पे वोट देंगे, नहीं तो जाति के नाम पे और पार्टी के नाम पे वोट नहीं देंगे। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अजितेश कुमार जी उर्फ बबलू भैया। ये अपने क्षेत्र में बबलू भैया के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध हैं। और मैं आपको बता दूँ, क्षेत्र संख्या 5 विधानसभा लौरिया से भूतपूर्व विधायक प्रत्याशी भी रह चुके हैं और इनका बहुत सारा कोचिंग और एजुकेशन संस्थान भी बाहर में चलता है, जिसको और यह जिसमें छात्रों और छात्राओं को भी शिक्षा देने के कार्य करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या वैश्य समाज के साथ साथ अन्य जो भी युवा पीढ़ी है इन पर फेथ करता है कि नहीं करता है। यदि इस लोकसभा के चुनाव में हमारी जनता, भोली भाली जनता चूक गई, फिर 5 साल वही देखना पड़ेगा जो देखने आई है। चलिए देखते हैं कि वैश्य समाज का क्या योगदान रहता है इस लोकसभा चुनाव में। तब तक अगला अपडेट आने तक विजिट कीजिए हमारे चैनल। मैं रईसुल आजम, कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ, वेव इंडिया न्यूज़, लौरिया।